श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर वोटिंग का दौर चल रहा है। जबरदस्त तरीके से श्रीनगर, गांधरबल, पुलवामा और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के जो इलाके इस पार्लिमानी सीट में आते हैं, वहां की आवाम ने दिल खोलकर डेमोक्रेसी के इस त्योहार में, इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। मैं श्रीनगर पार्लिमानी सीट के तमाम वोटर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने दिल खोलकर वोटिंग की है। रिकॉर्ड वोटिंग कश्मीर के अंदर हो रही है। राजौरी पुंछ पार्लिमानी सीट पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स पूरे तरीके से एक्टिव होकर इस अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी सीट में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एक ऐसा उम्मीदवार जो ईमानदार हो, जो लोगों की खिदमत का जज्बा दिल में रखता हो, जो आवाम के लिए 24 घंटे दुख सुख में शामिल हो, और एक ऐसा शख्स जो खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करने का जज्बा रखता हो, ऐसे किसी मायनास शख्सियत को, ऐसे किसी खिदमतदार कैंडिडेट को वोट देकर कामयाब करें। और हम चाहते हैं अच्छे ईमानदार लोग, ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट जीत कर मेंबर पार्लियामेंट बने जो लोगों की खिदमत करे और ईमानदारी से काम करे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ईमानदार शख्स, खिदमत खलक का जज्बा रखने वाला शख्स, हुब्बल वतनी के जज्बा रखने वाला शख्स जो इस इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहा है, उसको वोट देकर कामयाब करो, ताकि वो देश के पार्लियामेंट में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जैनपुरा, राजौरी, पुंछ की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे। और वो शख्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम करे, क्योंकि तीसरी मर्तबा फिर मोदी साहब मुल्क के वजीर आजम बनने वाले हैं। जबरदस्त सपोर्ट पूरे मुल्क के अंदर मोदी साहब को मिल रही है। तीसरी मर्तबा फिर मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और हम चाहते हैं कि राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, ये जो हमारी पार्लिमानी सीट है जिसका नाम अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट है, यहां से एक ऐसा उम्मीदवार जीते जो मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और लोगों की खिदमत करे और खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करे।